नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अतरौलिया से खबर है, जहां पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्री रुद्राभिषेक एवं श्रीराम कथा का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि समस्त प्राणी मात्र कल्याण हित श्री कैलेश्वर नाथ महादेव कैली धाम अतरौलिया में श्री रुद्राभिषेक एवं श्रीराम कथा का भव्य आयोजन 24 जुलाई दिन रविवार को किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महंत राम मिलन दास जी महाराज, चेला श्रीकांत जी महाराज कैलेश्वर धाम के द्वारा अयोध्या धाम से पधारे कथावाचकों का तिलक लगाकर व श्री रामचरितमानस का पूजन कर शुरू किया गया। इसमें कथावाचक पंडित मधुसूदन शास्त्री जी द्वारा श्रीराम कथा का सुंदर वर्णन प्रारंभ की गई। यज्ञधीश अयोध्या धाम से पधारे सुजीत जी महाराज ने बताया कि समस्त प्राणी मात्र व लोक कल्याण हित श्रीराम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथा का शुभारंभ आज 24 जुलाई दिन रविवार से प्रारंभ हुआ है। यह श्रीराम कथा दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी तथा कथा का समापन एवं भंडारा का आयोजन अगस्त 3 सोमवार को कथा के उपरांत किया जाएगा। इस मौके पर रामलन दास, सुजीत महाराज, दीपक देव शास्त्री, मधुसूदन शास्त्री तथा कई लोग श्रद्धालु मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि सुजीत जी महाराज ने क्या कुछ कहा। पर्चे देते हुए बताइए, आज यहाँ पे राम कथा और महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, ये कब तक चलेगा और कितने बजे तक चलेगा, इसके बारे में जानकारी। जी मैं सुजीत जी महाराज अयोध्या धाम से हूँ। ये आयोजन आज 24 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक चलेगा और ये समस्त प्राणी मात्र कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी भक्त आएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा प्रतिदिन। नहीं, 1 अगस्त को दोपहर बाद से भव्य भंडारे का आयोजन रहेगा। ये सब वैदिक विद्वान आचार्य हमारे सब अयोध्या धाम से आए हैं जी। और हमारे कथावाचक हैं, उनका क्या नाम है, उनके बारे में? पंडित श्री मधुसूदन शास्त्री जी उनका नाम हमारे कथावाचक का, और बहुत अच्छे श्री राम कथा के वक्ता हैं। और हमारा आप सबसे निवेदन है कि आएं और इनके अमृतमय कल्याणकारी कथा को श्रवण करके राम कथा को अपने जीवन को धन्य बनाएं।